दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आपका कलेजा धक धक करने लगेगा कि लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल कर रही हैं। दोस्तों, फेसबुक पर आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि लड़कियां ब्लैकमेल कर रही हैं लड़कों को फेसबुक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं फेसबुक पर। अगर आप भी फेसबुक चलाते हो तो सावधान हो जाइए, किसी अनजान लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, नहीं तो आप भी इस घटना का शिकार हो सकते हो। दोस्तों, 11 बजे रात को मेरे एक दोस्त का मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सुदामा भाई, मेरे साथ इस प्रकार का फ्रॉड हो गया, मैं इस प्रकार के चक्कर में फंस गया। मैंने कहा, कैसा चक्कर? उसने कहा, मेरे फेसबुक पर एक पूजा नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और मैं उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फिर वह पूजा मुझे हाय भेजती है मैसेंजर पर, मैं भी उसको हाय भेजता हूँ, मैं उससे बात करने लगता हूँ। मेरी 15 दिन लगभग उससे मैसेंजर पर बातचीत चलती रहती है कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो। मैंने उससे पूछा कि आप क्या करती हो, वह कहने लगी, मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। उस लड़की ने लड़की से पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। उस लड़की ने बताया, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर से हूँ। तो उस लड़की ने लड़के से भी पूछा, तुम कहाँ के हो। लड़के ने बताया, मैं यूपी का हूँ। तो इस प्रकार दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है दोस्तों मैसेंजर पर। और फिर अगले दिन वह लड़की मैसेंजर पर उस लड़के को मैसेज करती है कि मुझे तुम अपना व्हाट्सएप नंबर दो, व्हाट्सएप पर चैटिंग करेंगे। तो वह लड़की उस लड़के को अपना व्हाट्सएप नंबर देती है और वह लड़का उस लड़की को अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता है और फिर वह लड़की व्हाट्सएप पर उस रात उस लड़के को मैसेज करती है, हाय बेबी, क्या कर रहे हो। उसका बेबी लिखता है, जानू अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी बस माता पिता मेरे साथ में हैं, कल बात करते हैं। तो उसकी जानू ने कहा, ठीक है बेबी, बाय, गुड नाइट। तो फिर दूसरे दिन उसकी जानू का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, बेबी अभी क्या कर रहे हो तुम। तो उसका बेबी रिप्लाई देता है, जानू अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी कमरे में हैं, बस सो रहे हैं। तो उसकी जानू मैसेज करती है, बेबी मेरा कुछ करने का मन कर रहा है, आपके साथ वीडियो कॉल कर सकता हूँ। तो उसके बेबी ने कहा, नहीं वीडियो कॉल नहीं। तो जानू ने कहा, प्लीज मेरा बहुत मन कर रहा है। तो बेबी ने कहा, ठीक है तुम अच्छी फ्रेंड हो मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी हो। उसकी जानू ने कहा, हाँ बेबी हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है तो वीडियो कॉल तो कर ही सकते हैं। तो उसकी जानू ने उस लड़के के व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल किया और उससे कहा, अपना चेहरा दिखाओ। तो उस लड़की ने अपना चेहरा दिखा दिया, लेकिन दोस्तों जब वह लड़की वीडियो कॉल कर रही थी उसका वीडियो म्यूट था, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी और इस लड़के की आवाज़ जा रही थी। इस लड़के ने अपना चेहरा दिखा दिया और उसकी जानू ने कहा, फिर मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि बेबी अपना और कुछ दिखाओ।
तो बेबी ने मना कर दिया, नहीं मुझे और कुछ नहीं दिखाना है। तो और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है, यानी कि कट जाती है। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद उसकी जानू ने उसके लड़के के व्हाट्सएप नंबर पर एक वीडियो भेजा उस लड़के का कि मेरे बेबी इस वीडियो को क्या करना है, अपलोड करना है फेसबुक पर या ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, बोलो। तो उस लड़के का दोस्तों दिल धक धक करने लगा, मेरे साथ यह क्या हो गया। तो उस रात उस लड़के ने मुझे तुरंत मैसेज किया, सुदामा भाई मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है, जिससे आज मेरे मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि मेरी लाइफ तो बर्बाद ही हो जाएगी, मैं खुद खुशी करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने उसको समझाया, तुम पागल हो, तुम अनजान लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो जब उसको जानते नहीं हो। अगर एक्सेप्ट कर ली है, उसने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, तो बना लेने दो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते वे तुम्हारा। वह ब्लैकमेल है, वह लड़की नहीं है, लड़का है दोस्तों। मैंने उस भाई को बताया कि वह लड़की नहीं है पूजा, फेसबुक पर लड़की के नाम से उसने अपनी आईडी बनाई है और आपको ब्लैकमेल कर रही है, आपसे रुपयों की डिमांड उसने की होगी। उसने कहा हाँ मुझसे 4000 रुपये, उस लड़की ने कहा अगर 4000 रुपये मेरे अकाउंट में तुम ट्रांसफ़र कर देते हो तो मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो मैंने उस लड़के से कहा तुम उस लड़की का तत्काल नंबर ब्लॉक कर दो। उस लड़की का नाम है दोस्तों पूजा और उसका मोबाइल नंबर है 9165226287 और इंदौर की रहने वाली लड़की है। तो हमने आपको उसका मोबाइल नंबर बता दिया है, आप देख सकते हो कि ऐसी लड़कियों का क्या करना चाहिए जो भोले वाले बच्चों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उनसे न्यूड वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है ऐसी लड़कियों के प्रति, क्या करना चाहिए ऐसी लड़कियों का, इन्हें बीच चौराहे पर लटका देना चाहिए फांसी पर। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।